आजादी का आंदोलन जो गांधी जी ने जिसको लोक आंदोलन में परिवर्तित किया, इसके तीन स्तंभ थे, स्वराज, स्वदेशी और स्वभाषा। स्वराज तो मिल गया, स्वदेशी भी पीछे छूट गया, स्वभाषा भी पीछे छूट गया। 2014 के बाद मोदी जी ने पहली बार मेक इन इंडिया और अब पहली बार स्वदेशी की बात कर स्वदेशी को फिर से हमारा लक्ष्य बनाने के लिए आगे बढ़े। और इस आजादी के अमृत महोत्सव के अंदर मैं देश भर के सभी लोगों का आह्वान करना चाहता हूं कि एक और लक्ष्य हमारा छूट गया था स्वभाषा का, उसको हम फिर से एक बार स्मरण करें और हमारे जीवन का हिस्सा बने। और मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, आज देश भर से हिंदी प्रेमी आए हैं, बहुत प्रयास हो रहा है हिंदी और स्थानीय भाषाओं के बीच में विखवाद चल रहा है, एक राजनीति खड़ी। मैं बहुत मन से मानता हूं, मैं भी हिंदी भाषी नहीं, गुजरात से आता हूं, मेरी मातृभाषा गुजराती है, मुझे गुजराती बोलने में कोई परहेज नहीं है, मगर मैं गुजराती जितना ही प्यार बल्कि इससे थोड़ा अधिक प्यार हिंदी को करता हूं। हिंदी और हमारी स्थानीय भाषाओं के बीच में कोई अंतर विरोध नहीं है, हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं की सहेली है, सखी है और सखियों के बीच में कभी अंतर विरोध नहीं। राजभाषा का विकास तभी हो सकता है जब स्थानीय भाषाओं का विकास होगा, और स्थानीय भाषा विकास सातत्यपूर्ण तरीके से तभी विकसित हो सकती है जब राजभाषा एक देश भर के अंदर मजबूत होगी। ये दोनों पूरक है, दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है। तो राजभाषा विभाग का काम है कि स्थानीय भाषाओं को हम मजबूत करें और देश की जनता के, देश भर की जनता का ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम राजभाषा को मजबूत।